सकते हैं आप, यहाँ पर ये भी है छोटे छोटे, ये देखते हेलो दोस्तों, प्रणाम। मेरा नाम है अजय भोगना और आज की ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं डॉग फार्म से। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे डॉग्स ही डॉग हैं, यहाँ पूरे चारों तरफ आपको डॉग्स दिखेंगे। और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का, तो धन्यवाद। दिखाते हैं आपको आज की डॉग कितने हैं यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों डॉग फार्म के डॉग्स, देख सकते हैं आप। यहाँ पर भोटिया कुत्ते के अलावा और भी कुत्ते हैं इस फार्म में। हेलो शेरू, और ये भी यहाँ पर डॉग्स हैं। ये जर्मन सफर्ट, ये देखो मेरे को देख के सारे भौंक रहे, छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर। ये देखो मेरे को देख के सारे भौंक रहे। आप देख सकते हैं एक शेर वहाँ पे लेट रखा है भोटिया, उसके पास मैं जाने की कोशिश भी नहीं करूँगा, मुझे पता है क्या हाल कर सकता है फिर। और यहाँ आप देख सकते हैं पूरी तरीके से किनारे किनारे पूरी जालियाँ लगा रखी है भाई जी ने। और यहाँ पे काफ़ी डॉग हैं अलग अलग प्रजाति के, ज़्यादातर सारे भोटिया डॉग्स हैं। ये देखिए जाल के अंदर सभी रख रखे हैं। शेरो नहीं, देख सकते हैं आप नीचे तक पूरे। खुराक चाहिए कुत्तिया, तो मैं ऐसी दिखा था तुझे ऐसी उत्तराखंड में, मेरा चैलेंज भी ऐसी कुत्ती नहीं है। किसी के पास हो गई ना 50,000 इनाम। अभी कहाँ है तुम्हारी वो समझाने के बाद। ये देखिए छोटी सी, ये भाई सुल्तान। और ये देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, ये बनता है इनके लिए इस पे खाना, चिकन चुकन। अभी जब बनेगा ना तब दिखाना ना पूरी वीडियो कैसा बनता है। और ये जाले जाले इनके लिए चावल और दलिया, देख सकते हैं ये सारे डॉगों के लिए बनेगा खाना। आप देख सकते हैं कितना बड़ा पतीला है। Ah!
देख सकते हैं आप लोग किस प्रकार से भाई ने ये भोजन पूरा ठंडा करने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर अभी इतना ही, इससे भी दुगना खाना है। और इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या पड़ रखा है, दलिया है, चावल है, हल्दी है, चिकन के पीस हैं, पूरे डॉग्स के लिए बकरा है, पूरा बकरी का मटन। और दोस्तों इनको भी खाना परोस दिया गया है, आप देख सकते हैं कितने प्यार से खा रहे हैं। देखिए लाइन वार से लगा रखे हैं ये, और भाई जी ने इनमें सारे जो जो डालना था वो डाल दिया है। तो प्यार से खा रहे हैं भाई जी। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि सभी डॉगों के लिए खाना रख चुके हैं, और लगभग सभी डॉगों ने पूरा खाना खा चुके हैं। अभी सब अपने अपने सेट में जा चुके हैं, और तो मैं भी थोड़ी यहाँ घूमने आया हूँ और दिखाता हूँ आपको यहाँ का नज़ारा। इस प्रकार से यहाँ पर नीचे नदी बह रही है, और इस बार इस नदी ने काफ़ी यहाँ पर नुकसान भी किया है। और मिलते हैं आपको फिर अगली वीडियो। ये देखो दोस्तों, ऊपर से पूरा एक पेड़ भी बह के आ रखा है, उधर पूरा बहुत सारे पत्थर नीचे आ रखे हैं बह के। यहाँ पर बहुत सारी ये कि इस बार बाढ़ ने तबाही मचाई है, और देख सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों आज की वीडियो का समापन करते हैं यहीं पर, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। बने रहें मेरे साथ, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपको जल्द ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। और अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से भोटिया डॉग के लिए खाना बनाया जाता है, किस क्वांटिटी